कोई एक गांव अब ऐसा नहीं है जहां से लाशें नहीं उठ रही है। वैक्सीन जो है पूरे बिहार में नहीं है। कि मुझे याद करने का मतलब कि आपको अपने खुद की सरकार पर भरोसा है। हम लोग तो कई बार हम लोग निकलते हैं, हम लोगों पे मुकदमा हो, सैकड़ों मुकदमा हम पे किया गया, आज हमें याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपसे सरकार संभल नहीं रहा, बिहार संभल नहीं रहा। आज जितने सलाह हम लोगों ने दिए थे वही बात बिहार की हाई कोर्ट, पटना की हाई कोर्ट ने कहा, वेंटिलेटर रखा हुआ है लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। इन लोगों ने आंखों में पट्टी बांध रखा है, जिनको लगता है कि बिहार सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, वो जाए अस्पतालों में, वो जाए शमशानों में, वो जाए सड़क पे स्थिति देखे कि क्या है। लोग ठेला में शव उठा रहे हैं, कोई शव उठाने वाला नहीं है। इनके एम्बुलेंस से सीधे गंगा नदी में लाशें बहा दी जाती हैं। हम बिहार में, हमको अनुमति दीजिए और सरकार सहयोग करे कि जहां हमको जाने की जरूरत पड़े उसकी हमको अनुमति हो, लेकिन बेड हम लगा दें, बिस्तर हम लगा दें, दवा हम उपलब्ध करा दें, लेकिन डॉक्टर और नर्स कहां से हम लाएंगे? एक विधायक अगर देता है तो इस महामारी के समय में क्या हुआ, कहां खर्च हुआ? ना तो अस्पताल है, ना ऑक्सीजन है, ना दवा है, ना एम्बुलेंस है, ना वेंटिलेटर चलाने वाला है, ना कोई है, तो ये पैसा कहां गया? पिछले बार का सीएम रिलीफ फंड का पैसा कहां गया? पूरे स्वास्थ्य बजट का पैसा कहां गया? पीएम केयर का पैसा कहां गया? ये बताएं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। और इस बार फिर हर एक विधायक से लगभग जो है 2 करोड़ रुपया विधायक और एमएलसी से जो है वो काटा गया है, 2 करोड़। अगर आप अंदाजा अगर आप लगाएं तो 243 एमएलए होते हैं, 243 एमएलए और 69 एमएलसी, यानी टोटल जनप्रतिनिधि हो गए 312। तो 312 का अगर 2-2 करोड़ रुपया अगर लिया जाए तो टोटल अमाउंट बनता है 624 करोड़ रुपए। कहां गया वो पैसा, कहां खर्च होगा? हम तो कह रहे 2 करोड़ क्या, 3 करोड़ ले लो, 4 करोड़ ले लो, जो फंड है वो ले लीजिए, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जमीन पर वो दिखना तो चाहिए। कहां अस्पतालें बन रही है, कहां आईसीयू है, कहां ऑक्सीजन की व्यवस्था है, कहां वेंटिलेटर की व्यवस्था है, कहां एम्बुलेंस की व्यवस्था है? जमाखोरी हो रहा है पूरे बिहार में, हर एक चीजों का रेट बढ़ा हुआ है, और ये पैसा ले तो रहे लेकिन आप विधायक जो है मारे फिर रहे। आज विधायक को सब लोग ढूंढ रहे कि विधायक जी कुछ कीजिए, लेकिन विधायक के पास फंड नहीं है। आज जो भी सहयोग, जो सक्षम विधायक है, जो आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत है, वो सहयोग कर रहा है अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, लेकिन आपने तो सारा पैसा विधायकों का अपने हाथ में ले लिया है। हम तो कहते हैं जिन जिन विधायकों का आपने, सारे विधायकों का अगर आप पैसा ले रहे हैं 243 विधायक का 2-2 करोड़ रुपए, तो वो 2 करोड़ रुपए उनके विधानसभा क्षेत्र में